हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी की कक्षा में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके पाठ्य पुस्तिका तरंग बाई अमित पब्लिकेशन से कौन सी क्या लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं पाठ 12, जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है जंगल में ओलंपिक। बच्चों, ये एक बहुत ही मनोरंजक कविता है और मुझे आशा है इस कविता को पढ़कर, सुनकर, समझकर आपको भी बहुत आनंद आएगा। आपको कौन सा खेल पसंद है? रैकेट, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या रस्साकूद? मुझे तो रस्साकूद में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं ऐसे ऐसे करती हूँ और फिर गिनते रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन सा खेल पसंद है ज़रूर अपने दोस्तों को बताइएगा। और आपको इस खेल में क्यों अच्छा लगता है, खेल इस खेल में क्या अच्छा लगता है, वो भी ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बताइएगा, शेयर करिएगा। और खेलने में सबको आनंद आता है। बचपन से ही बच्चों को अपनों खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है और धीरे धीरे वे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगते हैं, कॉम्पिटिशन में भाग लेने लगते हैं। यदि मनुष्यों की तरह जंगल के पशुओं में भी खेल प्रतियोगिता हो तो अच्छा रहेगा, है ना। तो आज हमारी यही है, आइए शुरू करते हैं। जंगल में ओलंपिक का है भीड़ भड़क का भारी, जंगल में ओलंपिक का है भीड़ भड़क का भारी, जिसे देखने उमड़ पड़ी जनता सारी की सारी। पशु पक्षी सब मस्त मगन है, खेल हो गया चालू, गर्दन में फीता लटकाए घूम रहा है भालू। गधर्भ जी ने डिस्क फेंक कर, ये देखिए गधर्भ जी ने डिस्क फेंक कर जीत लिए दो मेडल, 100 मीटर की दौड़ हो रही भाग रहे दल के दल। तैराकी में ऊद बिलाउजी निकले सबसे आगे, कुश्ती में मैदान छोड़कर गैंडा जी झट भागे। रीच वेट लिफ्टिंग में चूका स्वर्ण ले गया चीता, मुक्केबाजी में बंदर ही लगातार फिर जीता। 100 क्विंटल का वजन सूंड से हाथी जी ने उठा लिया, 12 सिंगा ने उसको ऊंचे आसन पर बिठा दिया। लंबी ऊंची कूद हिरन के हिस्से में है आई, सभी जानवर आगे जाकर, क्या हुआ फिर, सभी जानवर आगे आकर देने लगे बधाई। 10 दिन के इस ओलंपिक में सिंह राज है निर्णायक, जज कौन है, जज है सिंह शेर। अंगुली उठने नहीं देंगे, अंगुली उठने कहीं न देंगे, सब पाएंगे अपना हक। बगुले ने लंबी गर्दन से सही निशाना साधा, बगुले ने भी, उसकी नेक इतनी गर्दन लंबी होती है, तो उसने भी सही निशाना साधा। मार ले गया वह स्वर्ण पदक, आई न कोई बाधा, क्योंकि बगुले की तो इतनी लंबी गर्दन होती है ना, तो उसने भी फायदा उठा लिया। और अब शब्दार्थ, चालू का अर्थ है शुरू, गधर्भ गधा वजन भार, फीता का अर्थ है रिबन, मेडल मतलब पदक और निर्णायक यानी फैसला करने वाला। अब हमसे पूछा है ओलंपिक आयोजन कहाँ हो रहा है, ओलंपिक आयोजन जंगल में हो रहा है। ओलंपिक में भालू कैसे घूम रहा है, ओलंपिक में भालू गले में फीता टांग के घूम रहा है। मुक्केबाजी का मुकाबला कौन जीता, मुक्केबाजी का मुकाबला फिर से बंदर जीत गया। और गर्दन में किसने फीता लटकाया हुआ है, गर्दन में तो भालू ने फीता लटकाया है। अब हमें क्या करना है, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। 100 मीटर में किसने दौड़ लिया, गधर्भ ने, उदबिलाव ने, पशुओं के दल ने या बंदर ने, 100 मीटर में पशुओं के दल ने। तैराकी में सबसे आगे निकलने वाला खिलाड़ी कौन था, तैराकी में उदबिलाव सबसे आगे था। वेट लिफ्टिंग का पदक, स्वर्ण पदक किसको मिला, वेट लिफ्टिंग का स्वर्ण पदक चीता ले गया। और अब हम करने जा रहे हैं रिक्त स्थान, हमें रिक्त स्थान की पंक्तियां पूरी करनी है, जिसमें सबसे पहले है डिस्क फेंक कर, किसने डिस्क फेंक कर जीत लिए दो पर, गधर्भ जी ने डिस्क फेंक कर दो मेडल ले लिए। कुश्ती में मैदान छोड़कर, कुश्ती में किसने मैदान छोड़ा, गैंडा जी ने छोड़ा। और क्विंटल का, कितने क्विंटल का, 100 क्विंटल का
वजन, 100 क्विंटल का वजन सूंड से हाथी जी ने उठा लिया और लंबी ऊंची कूद किसके हिस्से में आई? लंबी ऊंची कूद आई हिरण के हिस्से में। और दस दिन के इस ओलंपिक चल रहा है ना गांव वहाँ जंगल में, तो 10 दिन के इस ओलंपिक में निर्णायक कौन है? सिंह यानी शेर, जंगल का राजा जो है वो है निर्णायक। निर्णायक का अर्थ है मतलब जज, जज हैं जो है वो सिंह है। 10 दिन के इस ओलंपिक में सिंह है निर्णायक। और अब क्या करना है हमें बच्चों? अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले है, गंधर्व ने किस खेल में मेडल प्राप्त किया? गंधर्व जी ने तो डिस्क में मेडल प्राप्त किया। कुश्ती में मैदान छोड़कर कौन भाग गया? कुश्ती में गैंडा मैदान छोड़कर भाग गया। और लंबी ऊंची कूद में हिरन ने, और बगुले जी ने निशाना साधने में लाभ उठाया। और खेल का निर्णायक कौन है? खेल का निर्णायक थे सिंह यानी कि जंगल के राजा शेर। और बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और ये रोचक कविता में आपको बहुत आनंद आया होगा, जंगल में ओलंपिक। तो इसके साथ हमारी कविता समाप्त होती है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आभार।